ये वाली है जी कार, और इस पे इसके टायर्स और सारा कुछ तो बिल्कुल ओके लग रहा है फिलहाल, लेकिन मैंने फुली इंश्योर्ड। चलें जी, ये आ गया कोनिया, सिटी के आउटस्कर्ट्स पे हैं और सिटी एंटर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सेम व्लॉग में। अभी होटल चेक इन करने के बाद, थोड़ा सा सोने के बाद अभी बाहर निकला हूँ कुछ खाना वाना करने के लिए, और थोड़ा सा जो है ना वो अजीब धजका सा लगा। ये है कि खाना तो कहीं भी नहीं मिल रहा है, भूख टका के लगी हुई है। इवन कि जिस होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ उस होटल में भी नहीं है वो खाने वाने वाला सिस्टम। तो बाहर निकला हूँ, सिर्फ वो एक रोल सा क्या होता है, डोनर जिसको बोलते हैं लोग, वो ही अवेलेबल है, और वो खाने का दिल नहीं कर रहा। कुछ स्पाइसी खाने का दिल कर रहा है, कराची वाले हों और स्पाइसी ना खाएं कैसे हो सकता है। तो बाहर निकला, कुछ नहीं मिल रहा, कोई एक किलोमीटर चल लिया, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ, दुकानें वकानें सब कुछ बंद है। और अभी ये कोई स्ट्रीट है, कोई मेन स्ट्रीट है इनकी, जहाँ से आपको ट्रामवे वगैरह भी यहीं पे ही हैं। और सामने मेरे उस साइड पे मौलाना रूमी का मज़ार भी इधर ही है, और मेन बाज़ार भी यही है, लेकिन वो बाज़ार बंद है। फाइनली एक रेस्टोरेंट मिल गया, जाते जाते सुना आपको दिखा दूँ। ये मिला है, इसमें मैंने मंगवाया ये, तो ये वाला सैलेड हो गया। ये है एग सिकंदर लाइक मटन बीफ, और ये कबाब है उर्फा कबाब। तो है कितने का ये नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल भूख बहुत लगी हुई है, खाता हूँ देन उसके बाद बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोनिया टर्की। आज डे 6 अराउंड मेरे ट्रिप का है, और कल पिछले व्लॉग में आपने देख लिया होगा, कल का मैं रेंटा कार करके
अंतालिया से कोनिया बाय रोड आया था और ख़ुद ड्राइव करके, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया कि आप कैसे रेंट कार जो है वो एक रेंट पे ले सकते हैं, उसके प्राइजेज़ क्या हैं, अगर आप वो देख सकते देखना चाह रहे हैं तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल रात इधर होटल ले लिया था कोनिया में, थोड़ा सा नाइट वॉक किया, देन उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट के लिए आया हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, रूमी का जो बाज़ार है वहाँ पे जाऊँगा, देन उसके बाद जो है वो दो तीन जगह शम्स तबरेज़ मॉस्क और दो तीन मॉस्क और कुछ और जगह हैं जो एक्सप्लोर करूँगा। फ़िलहाल नाश्ता जो है वो करके तो चेकआउट करूँगा होटल से। ये वाला है जी इनका नाश्ता, चीज़ें पता नहीं क्या क्या हैं, चीज़ और ऑलिव्स, वो जैम, ये भी जैम सारे, पनीर, ये भी पनीर, ये खाने वाली चीज़ थी आलू टर और जूस और कॉफ़ी। तो यही है बस नाश्ता, कोई पराठा नहीं है, कोई ऑमलेट नहीं है, कोई फ्राई नहीं है, कोई हलवा पूरी नहीं है पाकिस्तान वाली, और मेरा नाश्ता ये रहा। चला जी ब्रेकफास्ट हो गया, होटल चेकआउट कर दिया, गाड़ी अभी वहीं पे खड़ी हुई है, सामान वामान गाड़ी में रख दिया था मैंने अपना बैग, और उनको बोला है मैं एक दो घंटे के लिए ज़रा सिटी टूर करके आता हूँ, फिर उसके बाद गाड़ी को जो है ना वो पिक करूँगा। तो चूँकि यहाँ पे पेड पार्किंग्स हैं इधर उधर कहीं भी अगर आप जाते हैं तो, इवन रोड पर भी, तो उसके लिए भी शायद अगर कार्ड वार्ड कोई बनवाना पड़ेगा, तो मेरे पास कार्ड नहीं है, तो इस वजह से गाड़ी इधर होटल पे ही वॉक शॉक कर लेंगे, कर लूँगा सिटी का। और अभी फ़िलहाल होटल के बिल्कुल सामने शम्स तबरेज़ मस्जिद है, जो के जिनको कहा जाता है जो रूमी थे उनके उस्ताद टीचर, और उनकी मस्जिद ये है, ये है, ये वाला एरिया जो है वो वज़ू के लिए है, और ये मस्जिद है, ये भी कोई जगह है या मे भी मज़ार होगा। और यहाँ कोनिया में आपको जगह जगह पे बहुत सारी मस्जिदें, बहुत सारे मज़ार मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक पुराना ओल्ड सिटी है सलजूक सल्तनत के टाइम का, तो यहाँ पे आपको मस्जिदें, मज़ार, ओल्ड बिल्डिंग्स, म्यूज़ियम्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अभी भी पता नहीं अंदर जाने देते हैं मस्जिद के कि नहीं, क्योंकि सफाई वफाई का काम चल रहा है। चलिए मूव कर रहा हूँ टुवर्ड्स रोमी मज़ार की तरफ, और ये रास्ते में कुछ सोवेनियर की शॉप्स हैं इनको देखते हुए, और ये मस्जिद है, कोई मस्जिद का नाम आगे जाके देख के बताता हूँ। रात भी इधर से गुजरा था जब खाना खा के वापस आया था, लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल बंदा नहीं था यहाँ पे, अब फिर थोड़ी सी रौनक हो गई है।
अच्छा जी, ये रूमी के मज़ार पे जो है ना मैं पहुंच चुका हूँ। ये उसके साथ मस्जिद है बिल्कुल, और ये रहा रूमी का मज़ार। अंदर जाने का रास्ता इस साइड से है। बाहर ज़रा देख लें कितने ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने ये फ्लावर का अरेंजमेंट किया हुआ है। कोई फ्रेश लग रहा है या अभी क्योंकि नए नए लग रहे हैं ये भी मुझे। और यहाँ से जो रास्ता है ये लिखा हुआ है ग्रीसी, यहीं से जाने का अंदर रास्ता है। तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग लग रही है ये वाली, तो देखते हैं अंदर। पूछा मैंने पीछे से, वो कह रहे हैं बैक साइड पे रास्ता है। और अंदर जाता हूँ, शूज़ उतारने पड़ेंगे अगेन, जो कि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि ये शूज़ मैंने नए लिए थे तो काफ़ी तंग कर रहे हैं उतरने पहनने में ना। ये साइड भी अच्छी है, जी मौलाना रूमी का मज़ार। इन साइड पहुँच गया हूँ, वो सामने एंट्रेंस का दरवाज़ा है, यहाँ से आप एंटर होंगे और पूरा अंदर मज़ार पे हाज़िरी करके आप घूमते हुए इस ये डोर एग्ज़िट है, यहाँ से आप एग्ज़िट हो जाएंगे। और ये कुछ उनके इसको अभी तो खैर आप म्यूज़ियम ही कह सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी ये कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बंद है। उधर पीछे मस्जिद है और ये कब्रिस्तान है इनके, मतलब एक फैमिली मेंबर्स के कब्रें हैं। और ये साइड पे औरतों की कब्रें हैं। इस बिल्डिंग के आपकी बैक साइड को आप बैक साइड पे आपको मिल जाएंगी इनके जो चलेबी थे उनकी कब्रें। और ये उन्हीं में से इनके जो काफ़ी चलेबी थे उनमें से उनके रूम्स हैं, उन्हीं की चीज़ें इनमें रखी हुई हैं। चूँकि अभी इसमें इंटर हो नहीं सकते तो जाना तो अंदर दिखाना तो मुश्किल है। अंदर टूर करने के बाद आप वापस उसी जगह पे
मेन रोड साइड पे जाना वो पहुंच जाएंगे। ये इस एरिया से एंटर हुए थे और इसी जगह पे वापस आ गए। तो ये था जी मौलाना रूमी का मज़ार। और अब भी आगे देखता हूँ और क्या जगह हैं सिटी टूर करके, तो उसके बाद वापसी अब भी आपको दिखाऊंगा। रास्ते में टूवर्ड्स कैपाडोकिया जाना है मैंने ड्राइव करके, तो 4-5 घंटे मुझे उसके लिए भी चाहिए। फिर रास्ते में शायद मुझे स्टेशन पे रुकना है, क्योंकि मुझे जो है वो कार्स जाना है ट्रेन पे, जो इनकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन है, तो उसका टिकट भी परचेज़ करना है। वो अब यहाँ कोनिया से मिल जाएगी या फिर जो है वो मुझे मिलेगी कौन सा केसरी से। तो कल पता तो किया था स्टेशन पे जाके, लेकिन उस टाइम उनका सिस्टम डाउन था, वो कह रहे थे कल सुबह आप आइएगा। तो अब मैं जो है ना अभी जाऊँगा, तो देखते हैं कि वो टिकट यहाँ से मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। मौलाना रोमी के मज़ार से चलते हुए अगर अराउंड कोई 500 मीटर का फासला है, जहाँ से ये सुल्तान अलाउद्दीन का भी मज़ार है। और यहाँ पे चलते चलते आया हूँ, और यहाँ पे ये इसका ज़रा इसको देख ये है सुल्तान अलाउद्दीन मस्जिद। बेसिकली ये सुल्तान अलाउद्दीन पार्क है, और इस पार्क के अंदर ही मज़ार है सुल्तान अलाउद्दीन का। और यही इधर ही मस्जिद है जो काफ़ी अच्छी है। अंदर से मैं आपको उसका भी टूर करवा देता हूँ, और पार्क भी बहुत खूबसूरत है। और ये इस साइड पे रहा कोनिया सिटी। Denk gelsin diye, uyusun diye çabuk üsteneceğiz. O zaman Resulullah'a ittiba etmiş oluruz. Sadece ahlak denince elbette bazı şeyler aklımıza gelir. Bunlardan birisi tevazudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi, Allah Celle Celaluhu'nu peygamberi olarak göndermiş ve toplum yıllar kal lenfaddu min havlik. Allah'ın rahmetiyle ümmetine karşı, arkadaşlarına karşı yumuşadın, kibirlenmedin, öbürlenmedin. Şayet sen mescid se is side pe अगर चलेंगे राइट साइड मस्जिद के लेफ़्ट साइड से, तो आप सुल्तान अलाउद्दीन के मॉस्क की तरफ मज़ार की तरफ जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी सीढ़ियां हैं, वो उतरेंगे लेफ़्ट टर्न लेंगे तो सामने जो है ना वो आपको सुल्तान अलाउद्दीन मस्जिद बहुत खूबसूरत थी। अंदर से मैंने उसके कुछ शॉट्स बनाए, और कोनिया मुझे तो बहुत पसंद आया। और स्पेशली अगर वो है ऑटम की वजह से कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये है जी सुल्तान अलाउद्दीन का मज़ार। इधर से एंट्रेंस है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये कब्रें हैं यहाँ पे किस किस की हैं। सुल्तान महसूद कलीचर अरसलान अलाउद्दीन, आगे पता नहीं क्या है, बड़े मुश्किल नाम है। तो ये एंट्रेंस है उसकी, और ये आपको टोटली जो है ना वो नहीं अभी हम अर्तुल का जो है ना वो सीरियल नहीं देख रहे, ये एक्चुअल में जो है वो आपको सुल्तान अलाउद्दीन का मज़ार यूट्यूब पे देख रहे हो नोमैड जाहिद के चैनल पे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी प्लीज़। अच्छा जी, ये हैं वो जगह जहाँ पे कब्रें, अंदर तो खैर नहीं जा सकते, लेकिन दो तीन कब्रें इस साइड पे हैं, दो तीन कब्रें इधर हैं। ये मेरा ख्याल है कि नहीं खुला नहीं हुआ, लेकिन ग्लास है, मैं ग्लास से आपको दिखा देता हूँ इसमें हैं किसकी कब्रें। ये है महसूद 1116 से 1156 कैलीची अरसलान और अलाउद्दीन के कोबद 1220 से 1237, इनकी कब्रें इस जगह पे हैं। और बुलाजा शेख पुरानी
hadislerinde bizlere anlatılan şudur. İnsanlar kıyamet günü genel olarak fırkalar çok gruplar. चलें जी, ये हो गया सुल्तान अलाउद्दीन का मज़ार। पीछे इधर भी जो मैंने आपको कब्रें दिखाई हैं, ये भी उन्हीं के फैमिली मेंबर्स में से किसी की हैं। तो 6-7 कब्रें इधर हैं, मैंने आपको क्लोज करके भी दिखाया, और 3-4 कब्रें इस साइड पे हैं। ये सारे उस टाइम के शहजादे एंड सुल्तान जो थे, ये उनकी कब्रें हैं। तो ये देख लिया है अभी, ये पता नहीं क्या चीज़ है अब। तो देखने के बाद अभी मूव करूंगा, होटल गाड़ी लूंगा और स्टेशन के लिए निकलूंगा जल्दी जल्दी से। टाइम बहुत कम रह गया, अब शॉर्ट। पहुंच चुका हूं कोनिया के रेलवे स्टेशन पे, जहां से मुझे पता करना है कार्ड्स की ट्रेन का। और ट्रेन की बुकिंग चलती तो यहाँ से नहीं है, चलेगी तो अंकारा से। मैं बैठूँगा केसरी से। तो लेकिन उनका जो कंपनी उसको रन कर रही है TDCC, यस TCDD, वो उनका ऑफिस यहाँ पे भी है, तो यहाँ से जाना वो बुकिंग करवा सकते हैं उसकी। तो वही पता करने के लिए अभी आया हूँ। ये है जी कोनिया का रेलवे स्टेशन, और ये एक टर्किश रेल खड़ी हुई है। आई डोंट नो कि ये कहाँ पे जा रही है, लेकिन मैं फ़िलहाल आया हूँ अपना काम करने के लिए, जो कि मुझे कार्स की ट्रेन की बुकिंग करवानी है। वो कहाँ से होगी, कल आया था लेकिन जो है ना वो बंदा तो मिल गया था, लेकिन सिस्टम डाउन था, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि आप कल सुबह आइएगा तो आपको जो है ना वो टिकट बुक कर देंगे। अभी देखते हैं कि क्या कहानी होती है। अभी फ़िलहाल जो है ना वो उसी के काम में लगता हूँ, बाकी स्टेशन आपको, ट्रेन आपको फिर दिखाऊँगा। बड़ी मुश्किल से वही समझाया उसको, और शायद अवेलेबल है 29 तारीख में, जो कि मेरी डिज़ायर्ड डेट थी। तो पासपोर्ट मांगा जा रहा है अभी, पासपोर्ट गाड़ी में पड़ा हुआ है, पासपोर्ट लेकर आता हूँ फिर उसको बताता हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह करे मिल जाए। चलें जी, फाइनली मुझे जो केसरी से कर्स की जो ट्रेन है दो एक्सप्रेस, उसका टिकट मिल गया है। ये रहा उसका टिकट, और ये मुझे पड़ा है अराउंड 43 लीरा का, कोई अराउंड पाकिस्तानी बनते हैं आई थिंक 6,000 रुपये, नहीं 6,000 नहीं 15-30, यस 6,000 रुपये का। और अब ये है टिकट 29 तारीख की, 28 की रात 29 डेट स्टार्ट हो जाएगी, तो उस तारीख का। और अब यहाँ से कैपाडोकिया निकलूँगा, चलो ट्रेन वाला काम मेरा कंप्लीट हो गया, कैपाडोकिया निकलूँगा, और देन उसके बाद जो है कैपाडोकिया का ट्रिप करके, केसरी का ट्रिप करके, तो फिर वहाँ से मैं ट्रेन पे बैठ जाऊँगा, ये जो दो एक्सप्रेस थी। तो ये रहा मेरा टिकट, तो जिसके लिए मैं टर्की ऑलमोस्ट समझ ले आया था, और नॉर्थ की तरफ अब निकलूँगा, तो थोड़ा सा अच्छा और डिफरेंट किस्म का ट्रिप आपको देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट लोकेशंस मिल जाएंगी, और माउंटेन्स, स्नोई एरिया। तो लेकिन ट्रेन जर्नी जो है वो अराउंड है मेरा ख्याल 17 से 18 घंटे की, डिटेल मैं आपको जिस दिन ट्रेन पे बैठूँगा उस दिन दूँगा। फ़िलहाल जो है ना वो जल्दी से अभी निकलना है कैपाडोकिया, क्योंकि 5 घंटे का ट्रैवल जो है ना वो कैपाडोकिया का भी है। सो अभी निकलूँगा कोनिया को गुड बाय कहकर कैपाडोकिया की तरफ। पहले सोचा है कि कॉफ़ी शॉफ़ी पी लूँ, चाय तो मुझे नहीं समझ लगी अभी इनकी ना, तो कॉफ़ी लेने के बाद निकलूँगा, एक ही दफ़ा रोड पे चढ़ूँगा और वहाँ जाके इंशाल्लाह रुकूँगा, देखूँगा रास्ते में, पता तो है नहीं कितना सफ़र है एग्जैक्ट, मैं कुछ और बता रहा होता है समटाइम्स, टाइम ज़्यादा लग जाता होता है। तो मरहबा, बिर कैपुचिनो, नेस्कैफे, üçü bir arada, ikisi bir arada sade. Yani sugar, milk, coffee. Yes, sugar, milk, coffee. अच्छा, ये चाय और सॉरी चाय नहीं कॉफ़ी और वो ले लिया है, लेकिन एक फ़नी सी चीज़ नज़र आई है यहाँ पे, वो ये है कि ये केक लिया था, और केक का नाम देख लें क्या है,
POTI. तो अब आगे खुद ही समझ लें।